फ्रेम में मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ साथ मेरे घर के कुछ और सदस्य भी आपको दिखते रहेंगे, तो उनको इग्नोर करिए, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है सुनने में कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। एनीवेज वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, तो मैं कर रही हूँ Q&A वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरी मानिए तो एक कप चाय, कुछ बिस्किट लेके इत्मीनान से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए और फिर सुनिए मेरी गप को, क्योंकि ये जो वीडियो है Q&A वीडियो, ये लंबा हो ही जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत लोगों ने पूछा है। पहला क्वेश्चन है मेरे इंटीरियर और वास्तु जर्नी के बारे में, कि मैंने कैसे शुरू किया, मुझे कैसे काम मिलना शुरू किया, क्या मेरी जर्नी रही है। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन को मैं इस वाले Q&A में नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। उसका रीजन ये है कि इस पे अगर मैं बात करने आऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जर्नी ही मेरी ऐसी है कि शेयर करना बनता है और हर एक डिटेल के साथ में शेयर करना बनता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो मेरे पापा के बारे में है, मेरे पापा मेरे घर क्यों नहीं आते या फिर मैं उनको व्लॉग में क्यों नहीं दिखाती। तो देखिए, मेरे पापा घर में जब आए थे प्री पैंडेमिक टाइम्स में आए थे, उस टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं किया था। एक बार जो आए थे वो आए थे जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था, क्योंकि पैंडेमिक से जस्ट पहले, एक साल पहले हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। 2019 अप्रैल में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और 2020 के आप जानते ही हो मार्च से पैंडेमिक शुरू हो गया। तो लगभग जो एक साल का गैप था उसमें सबसे पहले वो आए थे जब मेरे घर का गृह प्रवेश फंक्शन था। यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पापा, साथ में है मेरे भैया, तो वो यहाँ पे आए थे, रुके भी थे, उसके बाद भी वो एक दो बार आए हैं, पर तभी भी मैं व्लॉग नहीं करती थी। उसका रीजन ये है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, अभी उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो होता है ना आप कॉन्शियस हो जाते हो, जैसे एक होता है कि ऐसे अंगद के पेरेंट्स हैं तो वो बातें करते हैं, आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं, तो उनको देखिए वो स्वस्थ हैं, तो उनको लाना वीडियो में इज ओके फॉर मी। पर मेरे पापा की बहुत एज हो चुकी है, अब इतनी एज कैसे हो गई है, अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया तो आपको पता होगा कि मेरे और मेरे भाई में 17 साल का गैप है। मेरे पापा की जब शादी हुई थी वो ऑलरेडी डॉक्टर थे, तो डॉक्टर्स की तो एज थोड़ा सा वैसे भी ज्यादा होती है जब शादी होती है, 24-25 में तो होती नहीं है। तो शादी हुई, फिर कुछ टाइम के बाद मैं सोची मेरा भाई हुआ, और भाई के भी 17 साल के बाद मैं पैदा हुई, और अब मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, तो मेरे पापा की क्या एज होगी आप सोच ही सकते हैं। ही उनका जो फिलहाल सिचुएशन है वो बिल्कुल भी बिना किसी के सहारे के ठीक से अपने वॉशरूम भी नहीं जा पाते हैं, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य उनका खराब रहता है। और सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, जब से मेरी मम्मी गुजरी है थोड़ा सा जो मैं बोलूंगी उनको भी डिप्रेशन हो गया है, मैं तो बाहर आ गई पर वो बाहर नहीं आ पाए, काफी लो रहते हैं वो, पर मैं उन्हें अपने घर लेकर के नहीं लाई। उनको लाना बहुत बड़ा एक रिस्क हो जाता है, क्योंकि वो कई बार गिर गए हैं बाथरूम जाते वक्त भी, तो एक आदमी है जो उनके साथ हमेशा होता है, उनका जो हेल्पर है वो साथ में रहता है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑब्वियसली मेरा भाई नहीं चाहता है कि मैं करूं और कुछ गड़बड़ हो जाए। उनको लगता है कि मैं अभी भी छोटी हूं, हो सकता है मैं उतना ध्यान ना रख पाऊं, तो वो होता ही, आपके फैमिली आपको हमेशा वैसे ही देखते हैं। अब ये इतना बड़ा रीजन है, इसको समझाने में बैठूं तो बहुत लोगों को समझ भी नहीं आएगा, उन्हीं को समझ में आएगा जिनके इतने एजेड पेरेंट्स हैं और जो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, खुश नहीं रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे होते हैं ये वही समझ सकता है। नॉर्मल केस में जो होता है, जैसे अंगद के पेरेंट्स हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, वो कंडीशन मेरे पापा की नहीं है। अंगद के पापा से मेरे पापा 15-18 साल एज में भी बड़े होंगे। एनीवेज, तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर्ड हो गए, और इसी में देखिए मैंने कितना लंबा बोल दिया। अब फटाफट से मैं कवर करती हूँ जो बाकी क्वेश्चंस आपके आए हैं, तो मैंने एक्चुअली फोन पे ले लिया है। ओके, जो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ स्नेहलता का क्वेश्चन है, व्हाट्स द टफेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट यू लर्न आउट ऑफ इट। तो सबसे टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ वही था जब मेरी मम्मी गुजर गई, बहुत ही सडन शॉक था मेरे लिए, मैं बहुत यंग थी और मैं अपनी मम्मी से काफी ज्यादा अटैच थी, जो आपको पता ही होगा, इतने समय से आपको आइडिया लग ही गया होगा, बहुत ज्यादा अटैच थी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड या सब कुछ मेरी मम्मी ही थी। तो उनके जाने के बाद मुझे आज भी याद है कि जब थोड़ा सा सैड है पर बताती हूँ कि एम्बुलेंस जा रही थी उनको लेकर के, मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, तो उनको ना अच्छे से वहां पे लिटा दिया गया था और मुझे बोला गया था कि सबने पैर छूना था उनका जाकर के कि पैर छू लो, ये लास्ट है, क्योंकि हमारे में लड़कियां जाती नहीं है जो भी होता है आगे विधि वो करने, तो भाई जाता पापा जाता, मैं नहीं जाने वाली थी, तो मुझे वहां पे बोला गया कि लास्ट दर्शन है कर लो, पैर छू के प्रणाम कर लो। तो हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत बुरी स्टेट पे थी, फिर फाइनली सबने बोला कर लो, फिर ये बात फिर तुम्हें जिंदगी भर ये लगेगा कि क्यों नहीं किया, फिर बहुत मुश्किल से मैं गई। तो
पैर चुके मैंने प्रणाम किया और उसके बाद मैं खड़ी थी वहीं पे, एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ क्योंकि मैं लास्ट थी जाने वाली उनको प्रणाम करने वाली। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ, सब लोग आगे निकलने लगे, भाई लोग अलग गाड़ी में बैठने लगा, सब लोग की मतलब इधर उधर सब लोग चले गए कि ठीक है अब सबको निकलना है। मैं वहीं खड़ी रह गई, किसी का भी ध्यान नहीं कि मुझे भी खींच के कहीं बिठाया जाए। काफी देर तक मैं वहीं खड़ी थी। बाद में मेरी मौसी को रियलाइज हुआ कि अरे ये तो वहीं की वहीं खड़ी है, गाड़ी चले गई, चलो घर जाना है, क्योंकि हमें तो घर जाना था। तो मैं उतनी देर तक वहां पे जो खड़ी थी ना, उसके बाद काफी सालों तक मैं वहीं पे खड़ी थी। मतलब मैं जब भी बैठती थी, सोचती थी, तो मुझे लगता था कि मेरा जो ये शरीर है वो मूव कर चुका है अलग अलग जगह, पर मैं मेंटली और दिल से मैं अभी भी वहीं पे खड़ी हूं। तो उस जगह पे खड़े रहने से मेरा जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो बाद में मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग होना, कि जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, पर जो चीज आप बदल सकते हैं वो है आपका आने वाला कल। और आपको कुछ भी हो जाए, लाइफ गोज ऑन, आप चीजें रोक नहीं सकते हो। मैं क्या कर रही थी, मैं सब कुछ रोक रही थी कि हो गया फिनिश, मुझे कुछ करना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, मैं वहीं की वहीं खड़ी रहूंगी, वो गलत था। तो मैंने ये सीखा कि आगे बढ़ते रहना है। और एक चीज और यहाँ पे ऐड करते जाऊंगी, वो टफेस्ट फेज था चलिए, पर फिलहाल अभी जो चल रहा है मेरे साथ लाइफ में कुछ काफी टाइम से, ये मेरा सेकेंड टफेस्ट फेज चल रहा है। सुन के आपको हैरानी हो रही होगी, यकीन नहीं हो रहा होगा मेरे चेहरे का स्माइल, मेरे व्लॉग्स, कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा होगा आपको, बट दिस इज फैक्ट। कैमरे के पीछे बहुत कुछ होता है। जो जिंदगी है एक वो होती है जो हम पब्लिकली बता सकते हैं, दूसरी है जो हम बता नहीं सकते। तो अभी जिस चीज से मैं गुजर रही हूँ, ये मेरा सेकेंड टफेस्ट फेज है लाइफ का, पर एक दिन जरूर डिस्कस करूंगी। ओके, स्नेहलता जी का पार्ट टू जो है क्वेश्चन का, वो है एजम्पशन, क्योंकि मैंने पोस्ट किया था कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और एजम्पशन है कुछ तो बताइए, वो भी मैं जवाब दूंगी। तो इनका एजम्पशन है मेरे लिए, यू डोंट लाइक योर इन लॉज। नहीं, ये रॉन्ग एजम्पशन है, ऐसा नहीं है। मेरे दिल में उनके लिए लाइक या डिसलाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, तो जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि प्यार है मेरे दिल में, नहीं, मेरे दिल में प्यार करके नहीं है, झूठ मैं नहीं बोलूंगी। जो प्यार आप अपने पेरेंट्स के लिए फील करते हो या जो मैं अंगद के लिए फील करती हूँ, वो मैं मेरे इन लॉज के लिए तो क्या, किसी के लिए दुनिया में फील नहीं करती हूँ। प्यार बहुत रिजर्व एक इमोशन है जो मेरे दिल में है, वो मेरे पेरेंट्स के बाद में सिर्फ अंगद के लिए अभी है। तो प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट है, पेरेंट्स हैं तो जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जैसा एक अच्छा सा रिलेशनशिप होना चाहिए, हंसना बोलना साथ में बातें करना, उतना मैंने रखा है। बहुत ज्यादा मैंने इस पे ज्यादा दिल से फोर्स करने की भी ट्राई नहीं की है कि एकदम दिल से आए, एकदम जैसे मेरे पेरेंट्स थे मैं उनको भी वैसे ही करूं, नहीं। जैसे रिस्पेक्टफुली मैं हर एक बड़ों से बात करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, जैसे मेरे लिए मेरी मौसी है, मामी है, चाची है, वैसे ही मेरे लिए अंगद के सारे ही रिलेटिव हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, और डिसलाइक का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। और आपको पता ही है, दे आर वेरी स्वीट, आपने ब्लॉग में देखा ही है, तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मैथिली जी का, व्हाई यू नेवर शो योर भाई भाभी एंड देयर होम इन योर व्लॉग, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेली व्लॉगर, और इनका एजम्पशन है यू आर स्वीट हार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब दे दूं कि भाई भाभी को क्यों नहीं दिखाती हूँ, उनको नहीं अच्छा लगता। भाई को फिर भी ठीक है, उतना मैटर शायद ना भी करे, पर भाभी को का जो सोच है यूट्यूब को लेकर के कुछ ऐसा है कि ये बेकार की चीजें हैं, क्यों लोगों को दिखाना है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है, तो उनको ये नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे कहीं कहीं से ये बात पता चल गई स्टार्टिंग में ही, जब मैंने ट्राई भी किया तो मुझे लगा कि हाँ, शी इज नॉट कम्फर्टेबल। तो क्या होता है, मेरा देखिए प्रोफेशन है, मेरा ये बिजनेस है, और मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कंप्लीटली ओके हूं इसके लिए, अंगद कंप्लीटली ओके इसके लिए, पर हर कोई ओके नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म पे सब लोग अपने आप को दिखाना, अपनी जिंदगी को दिखाना, इनफैक्ट घर को भी दिखाना पसंद नहीं करते हैं कि मेरा घर अगर थोड़ा मेसी है तुमने क्यों शूट कर लिया। तो इसलिए एकदम से जिनको पसंद नहीं है उसको बिल्कुल मैं फोर्स नहीं करती हूं। तो इसीलिए आप मेरे व्लॉग में शायद ही कभी देखोगे मेरे भाई भाभी को, हो सकता है किसी फंक्शन में मैं जाऊं या वो आए और कभी मुझे लगे कि ये मेरा फंक्शन है मैं शूट कर रही हूं और वो भी शूट हो गए, दैट्स अ डिफरेंट केस। पर जो होता है ना जनरली यूट्यूब में, जैसे मैंने भी किया है, अपने इन लॉ से मिलवाया है आपको, वो चीजें नहीं होने वाली, उनको नहीं अच्छा लगता। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेली व्लॉगर, मेरे दिल में ह्यूज रिस्पेक्ट है डेली व्लॉगर के लिए, क्योंकि मैंने भी डेली व्लॉगिंग करके देखी है। अभी तो मैं ऑल्टरनेट करती हूं, पर जब दिवाली का फेज आता है ना, उस टाइम पे मैं एक डेढ़ महीना लगातार भी व्लॉगिंग करती हूं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है डेली व्लॉग करना। तो मुझे सारे डेली व्लॉगर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मतलब एडिटिंग भी अच्छी होती है, स्टोरी लाइन भी अच्छी होती है, अपनी बात को भी अच्छे से रखते हैं, क्वालिटी ऑफ भी जो कैमरा क्वालिटी वो सब भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी डेली व्लॉग करते हैं। तो मुझे पता है उसमें कितनी ज्यादा एफर्ट लगती है, क्योंकि एक वीडियो एडिट करने में 3-4 घंटा लग जाता है, और साथ ही साथ में अपनी लाइफ को रोज शूट करने से ना बहुत थकान होती है। जब मैं डेली व्लॉगिंग करती थी ना,
तो मैंने ये महसूस किया था कि मैं ना कोई एक्सपीरियंस ले ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं शेयर क्या करूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं अंदर से खाली होती जा रही हूँ, कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ पढ़ने के लिए, कुछ और देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। तो जब कोई एक्सपीरियंस मैं खुद लाइफ में ले ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं आगे आपको क्या दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का लाइफ का, उन्होंने पूछा है व्हाट्स द बिगेस्ट चेंज यू ब्रॉट इन अंगद लाइफ एंड अंगद ब्रॉट इन योर्स। बिगेस्ट चेंज मैं अंगद के लाइफ में जो ला पाई वो है सपने देखने का शक्ति। मतलब वो पहले बहुत घबराता था कि कुछ बड़ा सोचने से पहले उसको लगता था कि अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो क्यों ही सोचने का। मैंने उसको समझाया कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा अचीव कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मैं उसके अंदर लाई हूं। अब वो सपने देखने से डरता नहीं है। वो मेरे अंदर जो चेंज सबसे बड़ा लाया है वो है पेशेंस का। तो मेरे अंदर पेशेंस नहीं थी, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, किसी भी बात से इरिटेट हो जाती थी। पर काफी बार हमारी जो नोक झोंक होना शुरू हुआ शादी के फर्स्ट ईयर में, समझ में आ गया कि हम दोनों थोड़े अलग टेम्परामेंट के लोग हैं। तो अगर हम दोनों को साथ में सही से चलना है, एक पेज पे रहना है, तो किसी एक को झुकना पड़ेगा थोड़ा सा। और अपेरेंटली वो जो थोड़ा सा मैं डाउन आई और ये चेंज मेरे अंदर अंगद लाया। व्हाट इज दैट वन ट्रेट इन पीपल दैट यू हेट द मोस्ट। जो लोग इमोशनली बिल्कुल भी दूसरों को नहीं समझ पाते, मतलब इमोशनली जो इनकेपेबल लोग होते हैं, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अपनी अपनी बस बातें करना, अपने लिए सोचना, सामने वाले का कुछ सिचुएशन को समझना नहीं, और बिल्कुल भी प्यार से बातें नहीं करना। होता है ना कुछ लोग मेरे आसपास, मेरे से बहुत सारे लोग मैंने देखे जो हमेशा अपने बारे में बातें करते रहते हैं, या फिर सेल्फ पिटी मोड में रहते हैं, दूसरों के लिए कभी भी नहीं सोचते कि उनकी भी परिस्थिति होगी, वो क्या फील कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। इमोशनली जो लोग अच्छे होते हैं, जो आपकी बात को समझते हैं, आपके तकलीफ को समझते हैं और उस तरीके से बिहेव करते हैं, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। मयूरी सिंह का क्वेश्चन आया है यूट्यूबर यू डोंट लाइक, वन मिस्टेक दैट यू वॉन्ट टू रेक्टिफाई। यूट्यूबर यू डोंट लाइक, ऐसा तो किसी से पर्सनली मैं मिली नहीं हूं, तो मेरे तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर मेरे फ्रेंड्स हैं, जो होता है ना व्हाट्सएप पे बातें करना, तो बहुत सारे, कुछ लोगों से फोन पे भी बातें हो जाती है, तो मुझे तो सभी कुछ अच्छे लगता भी अच्छे लगते हैं। जो नहीं अच्छे लगते हैं मैंने उनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया, उनसे बातचीत बंद कर दी, उनके वीडियोज भी मैं नहीं देखती। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझे पता चल गया कि फेक है, या मतलब जो पोर्ट्रे करते हैं एक्चुअल में वैसे नहीं है, तो बस उन लोगों से मैंने डिस्टेंस कर लिया। पर ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं करती हूं, मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं रिश्ता, बस अवॉइड कर दिया, दैट्स ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन मिस्टेक दैट यू वांट टू रेक्टिफाई, मिस्टेक एक ही है जो मुझे लगता है, हमेशा से लगता रहा है, वो ये है कि जब मैं गई थी, मतलब मेरी मम्मी से मिलने का मेरा जो लास्ट था ना, मैं दिवाली और छठ में घर गई थी, वो लास्ट था जब दिवाली छठ मैंने घर पे मनाया था। उसके बाद मतलब ये अक्टूबर नवंबर में दिवाली छठ होता है, एंड फेब में माय मदर पास्ड अवे। तो जो लास्ट छुट्टी में मैं गई थी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा वो वीक थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही थी उनकी, और मैं समझ भी रही थी उस चीज को, और मैं बोल भी रही थी कि मुझे वापस दिल्ली नहीं जाना है, पर बिकॉज ऑफ माय बोर्ड्स वो नहीं चाहती थी कि मैं घर पे रहूं, वो चाहती थी कि मैं जाऊं। और एक दो दिन हमारे बीच में हुआ भी कि नहीं जाना है जाना है, पर बाद में मैं कन्विंस हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे लिटरली कन्विंस कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है डेट इज बी की वजह से है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोलकाता जाएंगी, नया नया दवाइयां लेंगी, वो बेटर हो जाएंगी। और मैं कन्विंस हो गई और मैं वापस दिल्ली आ गई। अगर मैं कन्विंस नहीं हुई होती और मैं वहीं पर रहती, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ बदल देती, पर एटलीस्ट मैं लास्ट के उन महीनों उनके साथ होती। मुझे, मैंने सोचा कि ठीक है सब ठीक ही होगा, वोट्स देके मैं आ जाती हूँ, फिर मैं रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज का रिग्रेट है कि वो कन्विंस नहीं होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता जी का, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड बाउंस बैक इन लाइफ। बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि काफी ज्यादा समय लग गया, मैंने अपना समय काफी उसमें बिता दिया, और अगर मुझे रियलाइज नहीं होता तो पूरी जिंदगी खराब हो चुकी थी। तो बाउंस बैक करने का मुझे एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ था मेरे अंदर, वो ये था कि मैं बार बार ये सोचती थी कि आज मम्मी होती तो क्या वो मुझे ऐसे स्टेट में देखती, आज मम्मी होती तो क्या वो चाहती कि मेरा करियर खराब हो। तो ये जो एक क्वेश्चन था ना, आज मम्मी होती तो क्वेश्चन मार्क, वो एक क्वेश्चन मार्क मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ देता था कुछ भी करने के लिए उस टाइम पे, कि नहीं मुझे, मेरी मम्मी ने जब मैं कंसीव हुई थी तभी बहुत लोग बोलते थे कि इस एज में बच्चा करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तुम्हारी एज हो गई है, 17 साल का गैप हो गया है। तो सबसे लड़के मेरे पापा मम्मी दोनों, मतलब दोनों का सोच था ये, सबको बोलते थे कि नहीं हम तो रखेंगे इस बच्चे को, सब बोलते थे कि हेल्थ में खराब असर पड़ेगा। तो जब दुनिया के अगेंस्ट जाकर के मेरे पेरेंट्स ने मुझे रखा, इस दुनिया में लाया, तो मेरे लिए कितने सपने देखे होंगे। तो मैं अगर अपनी लाइफ को खराब कर दूं तो क्या उनको अच्छा लगेगा। यही चीज एक थी मुझे जो स्ट्रेंथ उस टाइम पे देती थी, और फिर मैं धीरे धीरे डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना भी है, मुझे आगे लाइफ को आगे बढ़ाना भी है। पर सबसे ज्यादा जिस चीज ने मदद करी वो करी मेरी शादी ने, क्योंकि जब वो चेंज ऑफ प्लेस हुआ ना, चेंज ऑफ एटमोसफेयर हुआ, तो और नए लोग जिंदगी में आए, तो मुझे नया पर्सपेक्टिव मिला, एंड दैट रियली हेल्प मी। वो अगर नहीं होता और खींचता जाता
तो मुश्किल हो जाती। फिर क्वेश्चन आया संजना जी का, हाई डियर कैन यू टेल अस अबाउट योर हाउस स्टोरी, लाइक हाउ यू प्लान टू बाय योर हाउस एंड एवरीथिंग। ओके, ये भी मैं कवर करूंगी, अभी नहीं कवर कर रही हूँ, इसकी भी अच्छी सी स्टोरी है तो मैं अलग से आपको जरूर बताऊंगी। पर उसके बाद कमेंट आया है लाइफ इन अ मिनट का, हे शोनादी सो हैप्पी फॉर यू कम्प्लीटली 1 लाख सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। व्हाट मेड यू कॉन्स्टेंट इन पोस्टिंग योर वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि ऐसे होते हैं कि शुरू करते हैं और बाद में वो छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो मुझे चीज दे रही थी वो थी कि मुझे इसको करना है, ये क्यों नहीं काम करेगा। मतलब इतने सारे लोग वीडियोज बनाते हैं, अपनी लाइफ दिखाते हैं, तो अच्छे से अगर हम बनाए, अच्छे से हम पोर्ट्रे करें, हम मेहनत करें, तो लोग हमें क्यों देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरे पास इसका जवाब भी था कि लोग क्यों देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिमाग में रखना चाहिए, फेरी लैंड में नहीं जीना चाहिए। तो मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता था कि कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी वीडियो लोगों को ना अपील करे। इसमें सबसे पहला रीजन यही था कि मुझे पता था कि मेरे व्लॉग्स में ज्यादा आपको बड़ी फैमिली नहीं दिखने वाली है, मेरे साइड से तो बिल्कुल दिखने वाली नहीं है, अंगद के साइड से भी, उनके पेरेंट्स दोनों बिजनेसमैन है, बहुत बिजी रहते हैं, हम बार बार फ्रीक्वेंटली मिलते नहीं है, तो वहां से भी कोई नहीं होने वाला, तो बस मैं और अंगद दो लोग रहेंगे। अंगद काफी कम बोलता है, अभी तो फिर भी बोलता है, पहले बहुत ही कम बोलता था, बिजी रहता था, ऑफिस में था, तो मैं सोचती थी कि अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी। इसलिए मैंने कई बार सोचा भी था कि वास्तु डिजाइन इस पे वीडियोस बनाती हूं, पर बाद में लगा नहीं व्लॉग्स बेटर है। तो व्लॉग्स में मैं सोचती थी लोग कैसे देखेंगे, मेरा जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो ज्यादा, मैं बहुत लोग होते हैं व्लॉग में बहुत कुछ बनाते हैं, व्लॉग के लिए बनाते हैं, तो उस तरह के खाना मैं खाती नहीं हूँ, व्लॉग के लिए सिर्फ बनाऊ वो मेरा स्टाइल नहीं है, मसाला ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचती हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी अलग टाइप की है, तो क्या मास ऑडियंस को अपील करेगी, क्या मैं करूं। पर फिर लगता था कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करते हैं, और जब ट्राई करना स्टार्ट किया ना तो आपको लगाव हो जाता है, जो 10 लोग भी देखने आपके वीडियोज आते हैं ना, उन 10 लोगों से भी आपको लगाव हो जाता है, आपको लगता है इनके कमेंट के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, इन्हें अच्छा लगा तो इनके लिए बनाऊंगी, फिर वो आपको आगे रखती है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका शिनॉय जी का, हाई शोना हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी नहीं दूंगी, मैंने पहले भी एक Q&A वीडियो में बताया है कि मैं क्यों नहीं देती हूं, क्योंकि जैसे मैं इसका जवाब दूंगी कि 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं या 6 साल हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे, तो कब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, कब आप गुड न्यूज दे रहे हो। मुझे उस क्वेश्चन से वैसे कोई बुरा नहीं लगता, मैंने पहले भी बोला है, आपका जानने का हक है, पर क्यों ज्यादा करके वही वाला क्वेश्चन अट्रैक्ट करे, इसीलिए शादी का बताती नहीं हूं, पर एक दिन सब अच्छे से आपको बता दूंगी, पर फिलहाल अभी नहीं बताते हैं। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पा पटेल का, माय ओनली 1 क्वेश्चन, आप हमें इतने प्यारे अच्छे क्यों लगते हो। ओह, ये तो बहुत ही प्यारा है अल्पा जी, थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ टेकिंग अप इंटीरियर डिजाइनर एज अ करियर, योर होम इज गॉर्जियस, सो यू एंड योर हस्बैंड, थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट कपल। Assumption है इनका, लेट मी अज्यूम समथिंग अबाउट योर हाइट इज 5 feet 2 inches, प्लीज टेल मी आई एम राइट। तो ये जो इंटीरियर डिजाइन का है, अभी ऑलरेडी मैं कर रही हूँ फ्रीलांस में, खुद की कंपनी खोलने का प्लान है, बिल्कुल है, फ्यूचर में बिल्कुल करेंगे, वो तो प्लान है ही। और हाइट की बात आए, 5 feet 2 inches नहीं, मेरा हाइट है 5 feet 5 inches। एनीवेज, तानिया सरकार का क्वेश्चन है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द कॉस्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ योर हाउस, एजम्पशन इज 10 lakh। ओके, तो मैं बताऊंगी, ये भी बताऊंगी, ये भी अभी नहीं बता रही, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन मुझे आपको समझाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी, बहुत सारे रीइंबर्समेंट समझाने पड़ेंगे, सोर्सेस बताने पड़ेंगे, पर मैं इतना बता दूं कि आपको एजम्पशन जो 10 लाख है, नहीं बिल्कुल जी नहीं, 10 लाख में आपको ऐसा घर बैंगलोर में इंटीरियर नहीं होगा, इन हाउस कराओगे तभी भी नहीं होगा, कारपेंटर से कराओगे तभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो बहुत टॉप नॉच लिया है मैंने, कॉम्प्रोमाइज मैंने कहीं नहीं किया है, और सभी सिविल चेंजेस मैंने कर दिए हैं, और मेरे घर में जो भी चीजें देख रहे हो आप अभी, ये सब नई थी, रेंट के घर से मैं कुछ लेकर नहीं आई थी सिवाय एक टीवी के, तो सब कुछ नया होने की वजह से और खर्चे पड़ गए थे, तो इससे तो काफी ज्यादा, मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको तानिया सरकार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु सूद का, आई वॉन्ट टू नो आप मंथली एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करते हैं, इनी रफ आइडिया। ओके, मैंने अभी हाल फिलहाल एक व्लॉग बनाया है, मैं लिंक दे दूंगी उसका, रितु जी आप देख लीजिएगा, उस पर मैंने थोड़ा बहुत मोटा मोटी समझाया है कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। ओके, प्रीति परिजा का क्वेश्चन है, डोंट यू गेट बोर डूइंग द सेम थिंग एंड सेम लाइफ, यू हार्डली गो आउट ऑफ स्टेट बाय। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्डम हो जाती है, बहुत बार ऐसा लगता है कि रिपीट में चल रही है चीजें, जैसे मैंने कई बार व्लॉग में भी बताया कि ऐसा लगता है कि काफी टाइम से चीजें रिपीट में चल रही है, सेम रूटीन वही करना है, और क्योंकि मैं साथ में यूट्यूबर भी हूं तो मुझे व्लॉग्स भी बनाने रहते हैं, तो हम ज्यादा ब्रेक नहीं लेते हैं कि घर में जो वीडियोस हैं, जो व्लॉगिंग है वो करते हैं, बार बार अगर शाम को बाहर भागते रहेंगे कहीं पे घूमने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, तो व्लॉग कैसे शूट होगा, फिर हमारा रूटीन कैसे मेंटेन हो पाएगा। जो मुझे काम होता है फ्रीलांसिंग का वो 4-5 घंटे भी लेता है मेरे दिन का, कई बार मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ। अंगद का कैसा है ऑफिस का, वो तो आप सब लोग जानते हैं, जब जाहिर है वो तो मेरे व्लॉग में रहता ही है कि अंगद बैठा ही रहता है, तो हाँ कई बार बोर हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है
कि मैं बोलूँ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर कोई उपाय नहीं है, जो लाइफ है जैसी है वही ठीक है। और जहां तक बात रही बाहर जाने की, तो हाँ उतना फ्रिक्वेंटली हम ट्रैवल नहीं करते हैं। जाने वाले थे तो कैंसिल हो गया था, जैसे गुजरात जा रहे थे हम लोग आफ्टर दिवाली, तो वो कैंसिल हो गया। फिर मॉम डैडी यहाँ पे आ गए, शायद अभी नियर फ्यूचर में कुछ प्लान करेंगे बाहर जाने का। पर हाँ, हम उन कपल्स में से नहीं आता जो फ्रिक्वेंट हॉलीडे पे जाते हैं या फिर प्रायोरिटी रहती है कि कहीं ना कहीं घूमने जाना है, उतना ज्यादा हम दोनों को शौक नहीं है। जाना है कभी कभी रिफ्रेशमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु जी का, नंबर वन है, हाउ डू यू डील विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस विद अंगद जीजू। तो ये ओवर द टाइम चेंज हुआ है, पता है पहले जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे थे ना, तो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता था कि ये बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है जो मैं बोलूं, कि आपको लगता है आप जो बोल रहे हो वो सही है, अगले को लगता है वो जो बोल रहा है सही है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं अच्छा लगता था कि मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, मैं तो बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। और मेरा और अंगद में एक डिफरेंस क्या है कि मैं चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, और अंगद जो है वो कम शब्दों वाला इंसान है, तो वो ज्यादा अपना रखेगा नहीं सामने, बस बोल देगा नहीं मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो वो एक दिक्कत आ रही थी कि मैं तो पूरा रीजन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम भी पूरा एक्सप्लेन कर दो तो मैं कन्विंस हो जाऊं, तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। पर धीरे धीरे समझ में आ गया कि मिडिल ग्राउंड में अगर आना है तो फिर समझ के चलना पड़ेगा। तो अब ऐसा हो गया है कि कई बार मैं भी बोल देती हूँ चलो ठीक है ऐसा ही करके देख लेते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं सोचती हूँ चलो करना है ना करके देख लो, बाद में पछताओगे तो मुझे मत बोलना, वैसा भी वाला थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। पर वही है, अभी पैंडेमिक में ना, जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ ना, तब से बहुत ज्यादा एक दूसरे को और समझने लगे। पहले क्या था कि ऑफिस में रहेगा वो तो आपको 4-5 घंटे मिलना है, तो 4-5 घंटे मिलना अलग हो जाता है, पर जब दिन भर रहते हो साथ में ना, तब ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है, जैसे उसकी मीटिंग्स, उसके शेड्यूल्स, उसकी चीजें, बहुत कुछ समझ के चलना पड़ता है मुझे। तो अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर हो गई है, पर कई बार हो भी जाता है कि मुझे गुस्सा भी आता है कि ना तो तुम समझ रहे हो ना समझा पा रहे हो, तो मैं करूं क्या, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके, अमृता जी का क्वेश्चन है, व्हेन यू बोथ डू बेबी प्लानिंग, सॉरी आस्किंग यू पर्सनल क्वेश्चन बट एक्साइटेड टू नो, एनी प्लानिंग इन फ्यूचर और यू वांट टू डू समथिंग मोर वर्क दैट्स व्हाई यू होल्डिंग प्लानिंग ऑफ बेबी। अंगद जी, कौन साइड जाने का प्लान है या ऐसा कुछ भी है? तो देखिए, प्लानिंग ऑफ बेबी तो ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही हमें तो बेबी करना ही नहीं है, हम तो उन कपल्स में है कि हम दोनों ही साथ में खुश है, नहीं ऐसा नहीं है। हर एक फेज ऑफ लाइफ का अपना अपना मजा, ऐसा ही बात है। कपल के साथ में रहे उसका भी एक मजा है, पर कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं फैमिली एक्सपैंड करने की जरूरत है, तो वो भी फेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। फैमिली तो मुझे चाहिए ही, तो ग्रो तो करनी ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है जो आपको लगता है कि ये भी हो जाए, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, क्योंकि अकेले जब आपको सब कुछ देखना है ना, आप जब किसी से हेल्प नहीं लेते हो, किसी से नहीं मतलब लिटरली यहाँ पे बात में सिर्फ पैसों की नहीं कर रही हूँ कि पैसों से हेल्प नहीं लेते हम अपनी फैमिली से, नहीं, हम दोनों ऐसे हैं कि हमें वैसे भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। कुछ साल पहले की बात है, मुझे हो गया था डेंगू और 3-4 दिन तो हमने घर पे किसी को बताया ही नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि सब टेंशन में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, काम छोड़ के आएंगे, क्या करेंगे। जब थोड़ी सी मैं नॉर्मल हो गई थी, 3-4 दिन हो गए थे मुझे, सब कुछ ठीक था, फिर जाके हमने शेयर किया था और अकेले ही मैनेज किया था। हम दोनों वैसे हैं कि हमारे लिए कोई कुछ खटे ना, कुछ करे ना, थोड़ा वैसा रहे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है। जब सब कुछ ठीक लगेगा कि हाँ परफेक्ट है, हम दोनों कैपेबल हैं, तो डेफिनेटली प्लान करेंगे, और करेंगे तो आपको बताएंगे ही, कैसे ही छुपाएंगे वो बात है, और कुछ नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अब मैं पिक करने जा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एडिटिंग के टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है कुछ लोगों का क्वेश्चन छूट गया हो, माफ करिएगा, पर इतने सारे थे वीडियो में, दिक्कत आएगी, तो मैं कोई भी एक रैंडमली जो मुझे मिलेगा मैं वो आपको बता दूंगी, फिर मैं ये वीडियो को एंड करूंगी। तो क्वेश्चन है कविता मालवीय जी का, हाय शोना, आई रिमेम्बर यू सेइंग यू have been a reserved girl, how then did you decide to start vlogging and how did you train your mind to open your world to others? देखिए, मैं reserved girl कभी भी नहीं थी, मैं कुछ साल बस ऑफ लाइफ में ना थोड़ी डिप्रेस थी और तब मैं रिजर्व हो गई थी, पर पहले की अगर बात की जाए तो मैं बहुत ही आउटस्पोकन थी। व्लॉगिंग मैंने शुरू करी, मुझे मन था एक्चुअली शुरू करने का जब मैं रेंट के घर में थी और जब ये घर मेरा बन रहा था, मुझे एक्चुअली उसी ट्रांजिशन ऑफ फेज में ही व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी, पर मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि इतनी बिजी होती थी, मुझे लग रहा था कि मंडेन लगेगा व्लॉग मेरा, कि मैं दिन भर यहाँ साइट पे काम कर रही हूँ फिर घर जा रही हूँ, वरना मेरा मन तभी से था कि मैं व्लॉग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो ऑफिस में काम नहीं करने वाली, कॉर्पोरेट जॉब मुझे कभी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने ऑफिस भी रिजेक्ट कर रखे थे, इंटर्नशिप करके भी मैंने काम नहीं किया था, तो मुझे तो करना था हमेशा से फ्रीलांसिंग और मैं वो कर ही रही थी, तो मुझे पता था यूट्यूब एक अच्छा करियर है, मुझे आइडिया इसके बारे में अच्छे से था और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज कर लूंगी, एडिटिंग वगैरह का या कोई भी टेक्नोलॉजी
सीखने मुझे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप डिजाइनिंग करते हो तो बहुत सारी एडिटिंग वैसे भी आप कर पाते हो, बहुत सारी सॉफ्टवेयर आप वैसे भी यूज कर रहे होते हो, तो वो सब पे आपका हाथ बैठा हुआ रहता है। तो मुझे पता था मैं ये कर पाऊंगी और मुझे करनी है, इसलिए इस घर में शिफ्ट होते ही बहुत जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉगिंग करना। पर हाँ, इनिशियली बहुत अच्छी वीडियोज नहीं बनते थे, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो बहुत कुछ बाद में मुझे समझ में आया कि ऑन द जॉब सीखना पड़ता है यूट्यूब में, और अभी भी बिगनर ही हूं मैं बोलूंगी, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो वही था रीजन। और हाँ, करनी तो थी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। यहाँ पे एक तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद मन लगेगा, अगर आप लोगों से कुछ शेयर करना है आपको कर पाओगे, आप इस तरह से बैठ के मोबाइल कैमरा के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकते हो। मुझे पता था मेरी कुछ चीजें ऐसी है लाइफ में जो मैंने फेस की है, जो मैं अगर लोगों को बताऊं तो उसे बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, तो वो भी रीजन हो जाएगा और फाइनेंशियली भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो हर तरह से अगर अच्छा ही है तो क्यों ना करें। अब सक्सेस नहीं होगा तो वो अलग बात हो जाती है, बट ट्राई करने में क्या है। तो इसलिए शुरू से मेरा ये मन था कि मैं इस घर में आऊंगी, ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। और अभी मुझे ब्लॉग करते करते रेगुलर अगर मैं बात करूं कि मैं यूट्यूब में हूं, 2.5 साल हो चुके हैं, और 2.5 साल में स्लो ग्रोथ है, पर ग्रोथ है, वो अच्छी बात है। ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, वो बस जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं जाना चाहिए। बस आप लोग सपोर्ट करोगे तो ऐसे ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। डेफिनेटली मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। इस Q&A में किसी का भी क्वेश्चन छूट गया है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, पर मैं मेक श्योर करूंगी उन क्वेश्चन का जवाब आपको आने वाले व्लॉग्स में जरूर मिल जाए। फिलहाल चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।